नमस्कार, मैं प्रिया धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। उदयपुर में कट्टरपंथियों की क्रूरता झेल दुनिया छोड़ चुके कन्हैयालाल का शरीर भी पंचतत्व में विलीन हो गया है। गम और गुस्से को जाहिर करते हुए उमड़े लोगों ने नम आंखों के साथ कन्हैयालाल को अंतिम विदाई दी। अशोकनगर स्थित शमशान घाट पर कन्हैया का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान लोग कन्हैया अमर रहे हत्यारों को फांसी दो जैसे नारे लगाते देखे गए। कन्हैया के बड़े बेटे ने पिता को मुखाग्नि दी। बिहार में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी के 5 में से 4 विधायक राजद में शामिल हो गए हैं। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को छोड़कर अन्य 4 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। सभी विधायक बुधवार को राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ विधानसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे। मारुति सुजुकी अपनी सस्ती गाड़ी जैसे कि ऑल्टो, वैगनार, एस्प्रेसो को बंद कर सकती है। दरअसल कंपनी सरकार की हर गाड़ियों में कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य करने के फैसले के बाद ऐसा कर सकती है। कंपनी के चेयरमैन RC भार्गव ने इसको लेकर कहा है कि सरकार की पॉलिसी का असर उसकी छोटी कारों पर पड़ सकता है, ऐसे में कंपनी उन्हें बंद करने में संकोच नहीं करेगी। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को तिरुपति बालाजी जैसी सुविधा मिलेगी। राम मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए तिरुपति जैसी व्यवस्था विकसित की जा रही है। इसके लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल तिरुपति भेजा गया है ताकि वो वहां जाकर पूरी व्यवस्था को अध्ययन कर सके। गौरतलब है कि रामलला के पक्ष में आए कोर्ट के फैसले के बाद से अयोध्या राम मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। वहीं विपक्ष ने भी इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस के बड़े नेता अब भी अग्निपथ योजना की आलोचना करने से नहीं चूकते हैं। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने अंग्रेजी अखबार में लेख लिखकर इस योजना की तारीफ की और अपना समर्थन भी जताया है। उन्होंने अग्निपथ को आधुनिकीकरण की व्यापक प्रक्रिया का एक हिस्सा बताया। महाराष्ट्र में जारी सत्ता संघर्ष का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट के कांग्रेस के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट में है। वहीं इसी बीच जेल में बंद महाराष्ट्र के विधायक अनिल देशमुख और नवाब मलिक ने भी सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उनकी मांग है कि फ्लोर टेस्ट होने पर वो मतदान करना चाहते हैं। महाराष्ट्र के महारान में कल शाम तक भाजपा दूरी बनाते दिख रही थी, लेकिन अब पार्टी खुलकर मैदान में आती दिखाई दे रही है। शाम को पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस ने गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी और बहुमत परीक्षण कराने की मांग की थी। उनके इस पत्र के बाद राज्यपाल की तरफ से 30 जून को फ्लोर टेस्ट का आदेश भी जारी कर दिया गया है। ये पूरा घटनाक्रम दिल्ली में मंगलवार दोपहर को अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बाद शुरू हुआ। बहुप्रतीक्षित बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो गई है और इस यात्रा का पहला जत्था जम्मू से रवाना हो गया है। भारी संख्या में श्रद्धालु इस बार बाबा अमरनाथ की यात्रा पर पहुंचे हैं। जम्मू के शिविर में राज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पूजा अर्चना भी की गई। बम बम बोले और जय बाबा बर्फानी जैसे जयकारों के बीच श्रद्धालुओं का जोश देखते ही बन रहा था। देश के कई हिस्सों में अब भी उमस भरी गर्मी से परेशान लोग मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बार राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत में मानसून देरी से पहुंच रहा है। हालांकि अब ज्यादातर इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा, 30 जून या फिर 1 जुलाई को मानसून दिल्ली पहुंच जाएगा। इसी बीच देश के कई हिस्सों में बुधवार को तेज बारिश भी हो सकती है। भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने 7 से 12 साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोवोवैक्स वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इससे पहले केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की एक विशेषज्ञ समिति ने 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोवोवैक्स टीके के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी देने की शुक्रवार को सिफारिश की थी। हालांकि अब DGCI ने इसे मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र के विद्रोही नेता एकनाथ शिंदे गुवाहाटी से निकलने के पहले एक ही दिन में दूसरी बार कामाख्या मंदिर पहुंचे। बुधवार सुबह कामाख्या मंदिर के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के 4 बागी विधायकों के साथ आने के बाद दोबारा विद्रोही नेता एकनाथ शिंदे सभी विधायक के साथ दोपहर 12:10 पर कामाख्या पहुंचे। सुबह माँ कामाख्या का आशीर्वाद लेने के बाद 4 सदस्यीय विधायक दल होटल रेडिसन ब्लू लौट गए थे। कन्हैयालाल हत्याकांड की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी करने जा रही है। इसके आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को उदयपुर में दर्जी की हत्या के मामले की जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर लिखा कि किसी भी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की संलिप्तता की गहन जांच की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड के पहाड़ी राज्य में 41 अरब रुपए से अधिक का राजस्व अधिशेष होने की उम्मीद है। ये राज्य को पूंजीगत व्यय पर अधिक खर्च करने की छूट देगा। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स द्वारा राज्य के बजट का विश्लेषण पेश किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की तरफ से ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के तट पर हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। DRDO ने आज चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से इसका परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना को पंजीकरण प्रक्रिया के 6 दिनों के भीतर अग्निपथ भर्ती योजना के तहत 1.83 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं। वायुसेना ने आधिकारिक संचार में इसकी पुष्टि की है। 24 जून से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया में सोमवार तक 94,281 आवेदन और रविवार तक 56,960 आवेदन मिले थे। बता दें कि इस साल अग्निवीरों की आयु सीमा 23 साल है।
पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार का सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक पर बैन का फैसला शुक्रवार से लागू होने जा रहा है। सरकार के कड़े तेवर को देखते हुए जूस और मिल्क शेक जैसे पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनी भी अब इस नए नियम का पालन करने की कोशिश में जुट गई है। सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक पर बैन शुक्रवार से लागू हो जाएगा। इसी को देखते हुए मिल्क शेक जूस जैसे पेय पदार्थों के निर्माण अपने उत्पादों के लिए विशेष प्रकार के स्ट्रॉ की व्यवस्था में जुटे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में होने वाली मौतों पर चिंता व्यक्त करते हुए भारत ने कहा है कि लड़ाई में शहरी इलाकों में महत्वपूर्ण नागरिक ठिकाने आसान निशाना बनाते जा रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन के मसले पर मंगलवार को भारत के स्थायी उपप्रतिनिधि आर रविंद्र ने कहा है कि इस युद्ध के कारण बहुत से लोगों की जान गई है और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से परेशानियां खड़ी हुई है। अगस्त जायसवाल भारत के दो संकायों BIPC जीव विज्ञान, भौतिकी रसायन विज्ञान और CEC नागरिक विज्ञान अर्थशास्त्र में इंटरमीडिएट 12वीं कक्षा पूरा करने वाले पहले छात्र बन गए हैं। एक विज्ञप्ति के अनुसार मंगलवार को तेलंगाना इंटरमीडिएट के परिणाम घोषित होने के बाद अगस्त जायसवाल ने श्रीचंद्र कॉलेज में 81% के साथ BPC में इंटरमीडिएट द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अमरनाथ तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को शाम 6 बजे के बाद कश्मीर घाटी का दौरा नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को एडवाइजरी जारी कर उन्हें कश्मीर में सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे के बीच सैर सपाटे और मनोरंजन के लिए बाहर जाने का निर्देश दिया है। शाम 6 बजे के बाद बाहर न निकलने को कहा गया है। विदेशी कोषों की लगातार बिकवाली के चलते निवेशकों की भावना कमजोर होने से रुपया बुधवार के वो शुरुआती कारोबार के दौरान 11 पैसे की गिरावट के साथ 78.96 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनियम बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर रुख के साथ 78.86 पर खुला। बाद में स्थानीय मुद्रा पर कमजोर होकर 78.96 पर आ गई, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 11 पैसे की गिरावट दर्शाता है। मुंबई पुलिस ने बुधवार को कहा कि मुंबई के कुर्ला इलाके में सोमवार को एक इमारत गिरने से कुल 19 लोगों की जान चली गई और 15 लोग घायल हुए। मकान मालिकों और एक दिलीप विश्वास के खिलाफ IPC की धारा 304(2), 308, 337, 338 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। PM नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इस घटना पर दुख जताया। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए के मुआवजा देने की घोषणा की है। शिल्पा शेट्टी अपनी फिटनेस के लिए जानी जाती है, इसके लिए वो हेल्दी फूड खाती हैं और नियमित योगा भी करती हैं। वो अक्सर योग करते हुए अपनी तस्वीर और वीडियो साझा करती हैं, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। अब उनकी एक तस्वीर पर फैंस जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस तस्वीर को खुद शिल्पा शेट्टी ने शेयर किया है, जिसे फैंस बेहद पसंद कर रहे हैं। HP बोस मैट्रिक यानी कि कक्षा 10वीं के परिणाम जारी हो चुके हैं। hpbose.org पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। HP बोस ने 2022 बैच के लिए कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा 2 टर्म में आयोजित की थी। प्रथम सत्र की परीक्षा का परिणाम 10 फरवरी को घोषित किया गया था। बिहार के कई जिलों में बुधवार सुबह से तेज से बारिश देखने को मिली, वहीं पर 19 जिलों में वज्रपात गिरने की सूचना मिली है। इस दौरान कई लोगों की मौत की बात भी कही जा रही है। पटना समेत कई जिलों में सुबह बारिश देखने को मिली। राजधानी पटना में तेज बारिश के कारण विधानसभा परिसर में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। काफी मेहनत के बाद निगमकर्मी परिसर को जल जमाव से मुक्त कर पाए। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन आम लोग सावधानी बरतने के बजाय लापरवाही बरत रहे हैं, जो बहुत ही खतरनाक है और वायरस को एक तरह से आमंत्रण है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 14,506 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामले बढ़कर 4,34,33,345 हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। आंकड़ों के अनुसार COVID-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 99,602 हो गई है। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आगामी 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान कराए जाएंगे। राज्यसभा के वर्तमान सदस्यों में से 31% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि उच्च सदन में सदस्यों की औसत संपत्ति 79.54 करोड़ रुपए है। चुनाव सुधार की दिशा में काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नेशनल इलेक्शन वॉच की एक ताजा रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच ने वर्तमान 233 राज्यसभा सदस्यों में से 226 के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले और उनकी वित्तीय और उनसे जुड़ी अन्य जानकारियों की समीक्षा के बाद रिपोर्ट तैयार की है। साउथ अभिनेता कमल हासन की फिल्म विक्रम तमिल के साथ ही हिंदी बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल कर रही है। हाल ही में यानी कि 3 जून को यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसके बाद से ये ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। महज एक हफ्ते में ही फिल्म ने 135 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर लिया था। हर तरफ से फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। फिल्म को सफलता की तरफ बढ़ता देखकर अब एक फैसला लिया गया है। LAC पर चीन से चल रहे तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 3800 स्नाइपर राइफल और 78 लाख राउंड्स खरीदने के सौदे के लिए भारतीय कंपनियों को RFI जारी कर दिया है। RFI यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन किसी भी रक्षा सौदे के टेंडर प्रक्रिया का पहला चरण होता है। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी ने अमेठी के महमदपुर गांव में एक प्राइमरी स्कूल में ई चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का एक सप्ताह के अंदर समाधान करने का निर्देश दिया। इस चौपाल में मुख्य विकास अधिकारी अंकुर लाठर समेत जिले के कई अधिकारी मौजूद थे।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है संजीव कुमार, नुनू कुमार, विनोद कुमार राज, चिराग कुमार, कृष्ण यादव, अरविंद विश्यामुनि, चुन्नू कुमार, अंशु कुमारी, काजल कुमारी, मोहम्मद फैजान, कमलेश कुमार, नितेश कुमार, प्रियांशु सिंह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार हार्दिक पांड्या की कप्तानी आपको कैसी लगी? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।